राजस्थान में अभी भी दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के मामले बाकी प्रदेशों के मुकाबले अधिक देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अपने हक के लिए दलित अब भी लड़ रहा है, या हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों की सामंती मानसिकता ने अब भी दलित वर्ग को भेदभाव के दलदल में धकेलने का काम कर रही है। देश में दलित अत्याचारों के मामले में तीसरा स्थान पर रहे राजस्थान में गत 3 वर्षों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। जैसे हालात अभी राजस्थान में बने हुए हैं, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में यह मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 6% दलित हैं। वहीं राजस्थान में कुल होने वाली अपराधों में से 17% दलितों के ऊपर किए जाते हैं। यह आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी गांव से शहरों तक दलितों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार इन अत्याचारों को लेकर पीड़ित पक्षों की तय राशि जरूर देती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राह नहीं तलाशी गई जिससे इन अत्याचारों पर विराम लगाया जा सके। जिला स्तर निगरानी कमेटी अत्याचारों पर पैसा स्वीकृत करती है। कानून में 2015 में हुए संशोधन के आधार पर कलेक्टर पैसा स्वीकृत करते हैं। 85,000 से लेकर 8,25,000 रुपए तक राशि दी जाती है। जितने भी गंभीर अत्याचार से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ संगठनों ने एक योजना बनाकर सरकार को सौंपी थी, जिसमें राजस्थान रूल्स 15 के तहत आकस्मिकता योजना बनाई थी, जो अब तक नहीं बनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कमेटी हर जिले में बनी हुई है, पर इन कमेटियों के रहते हुए भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में दलितों पर हो रहे अत्याचार का निदान शामिल नहीं है। कानून बने हुए हैं, उन्हें लागू नहीं करना चाहते हैं। उच्च स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता कमेटी है, पिछली बार 2012 में बैठक हुई थी, गत 7 वर्ष से बैठक ही नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश 15 जुलाई 2015 को जारी किए गए थे, लेकिन जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी सभी जगह गठित नहीं है। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक प्रति 3 माह में होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। दलितों में महिलाओं के साथ होने वाले मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में दलित महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। राजस्थान के साथ ही गुजरात में भी पहले के मुकाबले दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। बीते 2 से 3 वर्षों में गुजरात से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में दलितों के प्रति बढ़ते अत्याचार के मामले बेहद चौंकाने वाले हैं। दलितों के प्रति होने वाले अपराधों की निगरानी के लिए ही नए नियमों को भी लागू किए गए थे, जिसमें 15 जुलाई 2017 से पहले जो मुकदमे होते थे, पहले ये ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन हो गए हैं, ताकि प्रदेश में होने वाले अपराधों का रिकॉर्ड सही मायने में रखा जा सके। नियम अनुसार प्रत्येक थानाधिकारी को अपने SSOID से SJMS पोर्टल पर पीड़ित पक्ष को सहायता के लिए आवेदन दर्ज कराना होता है। ऑनलाइन प्रकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास जाएगा, वह इसे जांच कर स्वीकृत कर देगा। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।